चंडान गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत मामूली सी बात पर हुआ दो पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा। परवेज नामी शख्स ने बताया कि इनके पड़ोस में रहने वाले अय्यूब नामी शख्स के घर में कुछ तकरीब चल रही थी और वो लोग रात देर गए तक ऊंची आवाजों में किन्नर्स को बुलाकर नाच गाना कर रहे थे, जिस पर परवेज ने अपने पड़ोसी से बताया कि इनके घर में भी मरीज मौजूद है जिन्हें ऊंची आवाजों और शोरगुल से तकलीफ हो रही है, लिहाजा वॉल्यूम कम करने की गुजारिश की गई, लेकिन पड़ोसी मुसलसल रात देर गए तक ऊंची आवाज़ में गाना बजाना कर रहे थे, जिसके बाद परवेज ने डायल 100 के जरिए पुलिस को इस बात की इतला दी। परवेज का कहना है कि शिकायत पर जब दो कांस्टेबल्स मुकामे वाक़े पर पहुंचे तब पुलिस एहलकारों के सामने ही तकरीब में आने वाले अफराद ने मिलकर इन पर हमला किया और गाली गलौज भी की। बाद अज़ा मुतासरा ने चंडान गुट्टा पुलिस स्टेशन में इस हमले की शिकायत भी दर्ज करवा दी और मीडिया के जरिए सिटी पुलिस और दिगर आला अहदेदारों से इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगाने की भी गुजारिश की। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासरा परवेज की जबानी। रिहायशी हूँ, मेरे घर के पास जो है पड़ोसी जो है उनके घर में शादी थी, तो रात के 12 बजने के बाद ही वो लोग जो है सो डीजे वगैरह लगा के किन्नरों को लेकर के नचा रहे, फहाशी पला कर रहे। भाई बस उन लोगों को ये बोला कि भाई देखो हर किसी के घर में होता, हर किसी के घर में खुशी का काम होता, आपके घर में हो रहा कोई मसला नहीं है, कर लो, लेकिन आवाज़ थोड़ा धीरे कर लो। मेरे घर में भी थोड़े लोग हैं जिसको नींद नहीं आ रही, पेशेंट्स है, कैसा सोना आप इतनी रात को आप ना इतने बड़े बड़े आवाज़ों में लगा के ऐसा करिए? बोला तो ठीक है भाई कम कर रहे हैं, बल्कि फिर जैसा हटती कि क्या करें, वो लोग जो सो आवाज़ जो है फिर बढ़ा दिए उसको, और ज़्यादा बढ़ा दिए पहले से। भाई क्या करा, 100 डायल पे कॉल करके कंप्लेंट करा, कंप्लेंट करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जो है सो पेट्रोलिंग कार आई, चलाल गुट्टा पीएस में कंप्लेंट करा, करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आई गाड़ी, एक नहीं दो दो बार उनको कॉल करा, भाई आ रहा हूँ भाई खरीब में हो बोल के, बोलो 15 से 20 मिनट के बाद आए, जब तक वो लोग क्या करे 15 मिनट के बाद बंद करे, 5 मिनट पहले गाड़ी आने से 5 मिनट पहले बंद कर दिए। वो लोग को मालूम हो गया कि भाई कंप्लेंट करा गाड़ी आ रही बोल के, ठीक है। गाड़ी आने के बाद वो लोग क्या करे, 4-5 जने मिलके मेरे आंख पे आए पुलिस वालों के सामने, कंप्लेंट क्यों करे, कंप्लेंट करे तो क्या होता, हाँ ठीक है देख लेंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग जो है सो इन्फॉर्मर है पीएस के, मखबेर है, और वो लोग खुद जो है सो बस्ती को खराब करने वाले हैं, गांजा शराब पी ले गए हैं वो लोग, आखिरी किन्नरों को लेके आगे नचा रहे, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, मैं हुकूमत से तेलंगाना से और केसीआर साहब से जो ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना क्राइम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल कहाँ पे हो रहा? अभी कली की बात है, कली जो है सो एक मर्डर हुआ चलाल गुट्टे हल्के में, फिर आज जो है सो ये हादसा पेश आया, आपकी पुलिस जो है मैं कंप्लेंट कर लेके 20 मिनट के बाद आती एक्शन लेती, और पुलिस वालों के सामने जो है सो वो उठा के जो सो मेरे को पत्थर लेके लकड़ी लेके मार ले आते, ये तो अच्छा हुआ मेरे दो भाई थे, मेरे वालिद थे, उन लोग को हटाए, ठीक है। अगर नहीं रहते करीब करीब ये करीब करीब जो है 30 से 40 लोग है जिसके घर में फंक्शन था, उसका नाम अय्यूब है। देखो अगर कोई गलत कर रहा तो सही बात बोलने में कुछ गलत है तो मेरे को बताओ, बस हुकूमत से मेरे को ये मुतालबा है कि भाई मेरे को इसका इंसाफ होना, और ये आइंदा जो है सो चलाल गुट्टे हल्के में ऐसा फहाशी पना, ये शराब पीना, नशाखोरी नहीं होती, बल्कि क्या गारंटी है इसकी शिकायत मैं ऑलरेडी चलाल गुट्टा पीएस में दे चुका हूँ, और वो लोग जो है सो मेरे को एमएलसी कराने के लिए बोले, मैं अभी एमएलसी कराने के लिए जा रहा हूँ, और इससे पहले भी जो है सो आज से 2 साल पहले भी जो है सो मैं कंप्लेंट दलाया था चलाल गुट्टा पीएस में, दरगाह के ऊपर चलाल गुट्टा हाशावा दरगाह पे जो है सो हाशम बाबा की दरगाह पे शराब वगैरह नशाखोरी चल रही है, गांजा पी रहे, लोगों को आने जाने दे रहे, तकलीफ हो जा रही, आने जाने नहीं दे रहे बोल के कंप्लेंट डाला था, ठीक है। जब भी जो है सो एक्शन लिए अल्हम्दुलिल्लाह फर्क हुआ, लेकिन अभी जो है सो ये थोड़ा हद ज्यादा हो जा रहा, मैं अच्छे गैस से रोकने गया, उल्टा मेरे ऊपर जो अटैक कर दिया, मेरे को मार दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उस वक्त वक्त क्या हो रहा था? वक्त जो है करीब 12:30 हो रहे थे, मैं कंप्लेंट दिया 12:15 पे, और पुलिस वाले आए 12:35 पे कुछ आए, उसके दरमियान में ये सब हुआ। अभी जो लोग से आपका झगड़ा हुआ जी, तो पहले कभी कुछ था आप लोग? नहीं, उन लोगों से कुछ नहीं है, वो लोग आना जाना अच्छा है, बस लोग मोहब्बत से बोला कि देखो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, हर किसी के घर में फंक्शन होता कर लो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी कर लो। अब नशा करके थे क्या धुन में थे मालूम नहीं, आगे जो सीधा अटैक कर दिया मेरे ऊपर। हुबा हज एंड उमरा ग्रुप्स हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे आंध्रा और तेलंगाना की पहली पसंद, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरेबिया और इंडिया से मंजूर शुदा हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस के अलावा मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, और इसके अलावा दुबई सऊदी ओमान के विजिट वीजा और एयर टिकटिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, वाजिबी कीमतों के लिए हमसे राब्ता करें। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बीबी बाजार एक्स रोड बिहाइंड हुबा मोबाइल्स, फोन नंबर 04024565786 और 9700786786 या फिर 9866767 पर राब्ता कर सकते हैं।